हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। आई होप यू ऑल आर गुड। कल हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने ये बात की थी किस तरीके से पुतिन का जो राज है लग रहा है वो ख़त्म होने वाला है। लग रहा है कि रशिया में एक सिविल वॉर, एक न्यूक्लियर कंट्री में एक सिविल वॉर शुरू होने वाला है। एक वैगनर ग्रुप जो अपना मार्च करता हुआ मॉस्को तक पहुँच रहा है और पता नहीं क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फूड क्राइसिस हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन एकदम से ही 24 घंटे में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या जादू हो गया कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में था प्रिगोजनी, वो ऐसा हंसता हुआ वापस जा रहा है कि ठीक है, अब मेरा हो गया, अब आप अपना देख लो, अब अपने लेक्चर वेक्चर बना लो, जो एनालिसिस करना है कर लो, आई एम गोइंग। तो एक बार देख लेते हैं क्या इस जो एक तरह से लग रहा था कि इस सदी का सबसे बड़ा कैटेस्ट्रॉफ होने जा रहा है, जो रशियन सिविल वॉर होने जा रहा है उससे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एकदम से वो बंद कैसे हो गया, एकदम से सारी चीज़ें बदल कैसे गई, क्या जादू कर दिया पुतिन ने ऐसा कि ये सब कुछ हो गया, और क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, क्या इसमें वेस्ट इन्वॉल्व था इस सब चीज़ों में, या पुतिन और प्रिगोजिनी ने मिलकर उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया यूएस को, क्या क्या चीज़ें हुई हैं एक बार हम देखेंगे, उसका इम्पैक्ट रशिया पे क्या है, यूक्रेन पे क्या है, इस वैगनर ग्रुप पे क्या है, और होलिस्टिकली पुतिन की इमेज इससे मजबूत हुई या कुछ और ही चक्कर है इसमें। तो ब्रॉडली ये सारी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुआ, एक बार अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप दे दूँ कि हुआ क्या क्या, तो चीज़ ये है कि कल फ्राइडे की रात को मॉस्को से 6 घंटे दूर एक शहर था रोस्टोव-ऑन-डॉन, जहां पे प्रिगोजिनी और उसका वैगनर ग्रुप आके बैठ गया और उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर को कहा कि हमने कैप्चर कर लिया है और यहां से सिर्फ मॉस्को 5 घंटे की दूरी पे और हम चल रहे हैं। और वो जा रहे थे, जब ये सब हो रहा था तब मॉस्को को आने वाली रोड्स को गवर्नमेंट ने, पुतिन ने खुद डिस्ट्रॉय किया, जिससे कि वो डायरेक्टली अंदर तक घुस ना पाए। जो कई सारे चॉपर्स, कई सारे हेलीकॉप्टर्स थे उनको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सारी चीज़ें चली रही थी। और ये डिमांड ये लोग मार्च इसलिए कर रहे थे कि इनका डिमांड था प्रिगोजिनी का कि हमें जो डिफेंस मिनिस्टर है और जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है वो हमें हैंडओवर कर दो, क्योंकि इनकी दुश्मनी पर्टिकुलरली उन दो लोगों से थी। हालांकि ये क्यों थी बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया गया, आप वहां जाके प्लीज देखना। तो इनकी दुश्मनी ये खार खाए बैठे थे इन दोनों लोगों से। अब प्रिगोजिनी ने डिक्लेयर किया जो हम मार्च कर रहे हैं इसका नाम है मार्च फॉर जस्टिस। लेकिन ये मार्च फॉर जस्टिस जब चल रहा था तो पुतिन टीवी पे आए, उन्होंने कहा कि ये जस्टिस वस्टिस का मार्च नहीं है, ये गद्दारी है, ये ट्रीजन है और इसका पूरा हिसाब किताब होगा। हालांकि इसको सुन के उनका वापस रिप्लाई आया कि आपको कुछ भी कहना चाहिए था पर हमें गद्दार नहीं कहना चाहिए था, एंड दे वेंट ऑन। और वो रोस्टोव-ऑन-डॉन के बाद अगले एक और शहर तक पहुंच गए जिसका नाम था वोरोनेज, ठीक है, वहां तक ये लोग पहुंच गए। जब यहाँ तक पहुँचे तो लगा कि अब तो शायद सारी चीज़ें खत्म, पुतिन कई सारी रिपोर्ट्स आने लगी कि मॉस्को छोड़ के सेंट पीटर्सबर्ग भाग गए हैं और वहाँ से ऑपरेट करेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें होगी, पर एकदम से चीज़ें बदल गई। कैसे बदली? ये शख्स था जो कहा जा रहा है कि इन्होंने चीज़ों को मैनेज कंट्रोल किया, संभाला, ये पुतिन के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं, बेलारूस के प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, 1994 से ये यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, 1994 से इनकी सत्ता बेलारूस में बनी हुई है, और पुतिन के सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो जाए पुतिन का साथ कभी नहीं छोड़ते, और वाइस वर्सा पुतिन भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं कि बेलारूस में इनके अलावा किसी और कोई और नई लीडरशिप ना आए और ये वहां पे बने रहें, ठीक है, तो दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे क्या नेगोशिएशंस, क्या रेजोल्यूशंस हुए कि जो इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ था वो एकदम से टल गया? ऐसा क्या हो गया कि आप कोई पेमेंट दे दी, ऐसा क्या हुआ कि सारी चीजें बंद हो गई? तो एक डील जो है लुकाशेंको ने करवाई है कहा जा रहा है, और इसके बाद ब्रॉडली ये सारी चीजें हुई हैं कि जो 25,000 वैगनर ट्रूप्स आए थे प्रिगोजिन के साथ वो वापस अपने बैरक में चले जाएंगे। प्रिगोजिन जो है जो मॉस्को कैप्चर करने जा रहे थे वो अब बेलारूस में एग्जाइल करेंगे और वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं पे उनको एक घर दिया जाएगा, और लुकाशेंको ये ध्यान रखेंगे कि उनकी जान वान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि पुतिन ने बात बोल दी है कि इसका हिसाब किताब होगा, ठीक है। अब जो ये लोग बैरक चले जाएंगे और बेलारूस चले जाएंगे प्रिगोजिन, लेकिन जो वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके हैं उनका क्या होगा? तो उनका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटिंग वैगनर ग्रुप के लड़ाके जो है उनको कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और तुम चुपचाप जाके अब घर बैठ जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बट अब वापस इस मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना, ना स्टेट की तरफ से ना स्टेट के खिलाफ। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको डिफेंस मिनिस्ट्री एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी कि तुम हमारे साथ मिलके
प्रॉपरली रशियन आर्मी के साथ मिलकर काम करो, ठीक। और प्रिगोजिन के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस थे वो तो एकदम हटा दिए गए हैं कि तुम बेलारूस में जाके एक्साइल करो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं, ना तुम हमें परेशान करो ना हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है यूक्रेन वॉर के ऊपर, जो हमने कहा कि अब हम देखते हैं कि अलग अलग हर कोई भी चीज होता है, कोई कॉज होता है तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। क्योंकि जब ये कहा गया कि डॉनसॉक और ये बखमूत के इलाके से जब ये सारे लोग वैगनर ग्रुप जो था वो निकल के आया, तो वहां की कई सारे इलाकों को यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस कैप्चर कर लिया। तो ये जो यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, पिछले 1.5 साल से चल रहा है और आगे चलता रहेगा लग रहा है अगले 1.5 साल और, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वही वैगनर ग्रुप के लोग लड़ेंगे जिनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और रशियन फोर्सेस में लगभग 3 लाख पर्सनल्स हैं जो यहाँ पे यूक्रेन के आसपास इन बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं, जिनमें से सिर्फ 25,000 लोग वैगनर ग्रुप के हैं, 20 से 25,000 लोग। तो ये कहा जा रहा है कि ये इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, ये इजिली फिल किया जा सकता है। रशिया के पास वो नंबर है, वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज है दुनिया की, तो वो इजिली फिल कर सकती है। लेकिन ये जो 25,000 लोग हैं ना, इनका अप्रोच कैसे फिल होगा? बिकॉज वैगनर इज नोन फॉर देयर रूथलेस डेयरिंग एंड इंटेंस फाइटिंग मेथोडोलॉजी। मतलब वो उनका अपना ही है कि सच में एक एक आदमी 10-10, 4-4 पे भारी है, जिस इंटेंसिटी से वो लड़ते हैं, जो डेयर डेविलनेस है उनके अंदर, वो भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और यूक्रेनियंस जो सबसे ज्यादा परेशान थे वो वैगनर ग्रुप से परेशान थे, क्योंकि ये इतने हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि जैसे कोई नॉर्मल आम आदमी होता है, फिर उसके ऊपर पुलिस पर्सनल्स होते हैं, फिर आर्मी पर्सनल्स होते हैं, तो ये सारे लोग हैं, इनका एक टाइम है जब इनकी हिम्मत टूटने लगेगी, चाहे वो नॉर्मल आर्मी पर्सनल्स भी हो। पर ये ऐसे हाईली मोटिवेटेड लोग हैं जो खाते पीते भी इसलिए कि घर की कुछ दिन बाद जाके लड़ाई करना है, ठीक। अब पुतिन की इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारी चीजों से? तो दो थ्योरीज निकल के आ रही है, वो एकदम कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स है। एक पक्ष ये कह रहा है कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पुतिन की इमेज के ऊपर, और वो इमेज और निखर के आई है। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, शायद ये शुरुआत है पुतिन के अंत की, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक बार हम देख लेते हैं। तो एक धड़ा तो ये कह रहा है कि द रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन क्या है, विदाउट ब्लडशेड री इन्फोर्सेस पुतिन इमेज। सिर्फ पुतिन ताकतवर नहीं है, सिर्फ पुतिन ये नहीं कि जो आप एक आदमी दम रखता है वही नहीं है पुतिन के अंदर, पुतिन श्रूड भी हैं, पुतिन इंटेलिजेंट भी हैं। क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो व्हाइट हाउस के अंदर लोग घुसे चले आ रहे थे जब ट्रंप इलेक्शन हारे थे, उसको भी शांत होने में लगभग 1.5-2 दिन लग गए थे। और ये तो ऐसा लग रहा था कि सिविल वॉर होने जा रही है, हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे और वो 24 घंटे में एकदम से खत्म हो गया। तो ये कुछ खासियत तो है इस आदमी में कि इसने बिना कोई खून का कतरा बहाए, बिना कोई दूसरे रशियन से लड़े, ये पूरी सिचुएशन जो है एकदम से न्यूट्रलाइज हो गई। तो ये पुतिन की इमेज को वापस से स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक। और पुतिन की जो स्पीचेस आ रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट को, अभी उनके 2-3 घंटे पहले आया है कि उन्होंने धमकी दी कि हमारे घर के अंदर जो कुछ बवाल हो गया है, अगर वेस्ट ने ये हिमाकत भी कर ली कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा लेगा, तो वो और उसकी पीढ़ियां भुगतेंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये एक तो ये कि पुतिन की इमेज और ज्यादा स्ट्रांग होके गई है। दूसरी बात ये आ रही है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है ना, वो इसके अच्छे नहीं रहेंगे पुतिन के लिए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि ऐसी सिचुएशन हुई क्यों। यूक्रेन में जब वॉर वगैरह हुई थी, तब ये था कि लोग इतना डरते क्यों हैं पुतिन से, वो आगे बढ़ के उसके खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, और नहीं है किसी की हिम्मत कि वो पुतिन के खिलाफ रशिया में रहते हुए बोल पाए, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि एक आदमी यूक्रेन के बॉर्डर से उठ के मॉस्को तक पहुंचने वाला है, और बीच में हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जा रहा है, और उसके 25,000 लोग गन्स और ये सारी चीज लेके एकदम अंदर तक घुस गए हैं। तो आगे जाते हुए ये कुछ लोगों के मन में सवाल खड़ा करेगा कि नहीं, पुतिन इनविंसिबल नहीं है, इनसे झगड़ा जा सकता है, इनसे लड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इट कुड पॉसिबली डेंट हिज इमेज, और लोग ये रिवैल्यूएट करने लगे कि वो जो परसेप्शन है पुतिन की लीडरशिप का और पुतिन के ऊपर जो ट्रस्ट है, वो सारे लोग उसको रिवैल्यूएट करने लगे कि क्या ये सही है या ये गलत है, ठीक है। अब स्पेकुलेशन कि ये म्यूटिनी हुई क्यों, ये सारी चीजें हुई क्यों, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अराउंड 2-3 थ्योरीज हैं, ठीक है।
ब्रॉडली तीन थ्योरीज के अराउंड ये सारी चीजें चल रही हैं कि ऐसा हुआ क्यों। पहली थ्योरी तो ये है कि पुतिन ने जो म्यूटिनी है ना, ये खुद ही इंजीनियर की, इसने खुद ही ये पूरा सिचुएशन, ये पूरा फियास्को क्रिएट किया, द ग्रेट पुतिन, इन्होंने ये सब खुद ही किया, तभी ऐसा हो पाया कि ये 24 से 36 घंटे के अंदर ये पूरी सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो पाई, क्योंकि तो इन्हीं के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। और रीजन ये दिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है कि वो चाहते थे कि ये जो शोइगु हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं, उनसे पुतिन की नहीं बन रहे, पुतिन उनको हटाना चाहते थे, और वो हटाने के लिए इन्होंने पूरा खेल रचा कि प्रिगोजिन को से ये बुलवाया गया कि हमें स्पेसिफिकली इन दोनों लोगों से दिक्कत है, जो आर्मी चीफ हैं और जो डिफेंस स्टाफ हैं, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन दोनों से दिक्कत है, ठीक। और जो प्रिगोजिन जब वापस जाने लगे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वी आर विड्रॉइंग टू द बैरिक्स अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसा प्लान था हम यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से वापस हम अपने बैरिक्स में चले जाएंगे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ये जो पूरा प्लान है ना, इसमें पुतिन का इन्वॉल्वमेंट है अच्छा खासा। अब इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट से हमें अपना आंसर, अपने थॉट्स को हर पर्सपेक्टिव से देखना है, तो एक इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा मतलब पुतिन इतने कमजोर कब हो गए कि उनको उनके डिफेंस मिनिस्टर ब्लैकमेल करने लगे, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से वो इसका कद इतना बड़ा हो गया कि पुतिन को उनको हटाने के लिए ये पूरा नाटक रचना पड़ा कि उनके घर तक लोग बंदूक लेके और हथियार लेके और उनके मॉस्को तक घुसे चले आ रहे हैं और उन्हें अपनी रोड और ब्रिजेस वगैरह सब तोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये शायद उतना, ये इट्स एन अननेसेसरी प्रीटेक्स्ट फॉर रिमूविंग डिफेंस मिनिस्टर। और पेस्कोव्स की जो स्टेटमेंट है, जो वहाँ फॉरेन अफेयर्स के को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि पुतिन का जो एटीट्यूड है वो शोइगु को लेके कोई बदला नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर वैसे के वैसे बने रहेंगे तो अब इट्स एन म्यूटिनी इंजीनियर्ड बाय पुतिन, ये तो अपने आप में ही फॉल्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी उतनी ठीक नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं दूसरी थ्योरी क्या है। दूसरी थ्योरी है, विच इज अ मोर लाइकली सिनेरियो, कि रशियन एस्टेब्लिशमेंट वॉज अवेयर ऑफ प्रिगोजिन्स डिससेटिस्फेक्शन। वो जानते थे कि प्रिगोजिन जो है वो डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि लगातार इनकी ऐसी वीडियो सामने आ रही है, इनके कॉमरेड्स की ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो डिफेंस मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं, ठीक है। इनके ट्रूप्स लगातार ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बखमूत को हमने कैप्चर किया, पर हमारा सारा क्रेडिट हमारे इतने लड़ाके मरे, एक तो तुमने कोई हमें मदद नहीं की, ना कोई रिसोर्सेज दिए, ना कोई आर्सनल्स दिए, ऊपर से जो क्रेडिट जो हम लोगों ने अपनी जान गंवा के बखमूत जैसे शहर को कैप्चर किया, तुमने वो क्रेडिट भी हमसे ले लिया, ठीक। तो लगातार इनकी जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स थी वो रशियन फेडरेशन के खिलाफ और स्पेशली डिफेंस और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ और चीफ ऑफ डिफेंस के खिलाफ लगातार आती रही थी। ही अंडर एस्टिमेटेड पुतिन अंडर एस्टिमेटेड द न्यूएंस वैल्यू ऑफ प्रिगोजिन, और जो टाइमली एक्शन था वो उन पर ठीक तरीके से लिया नहीं गया, ठीक। तो यही है कि इन लोगों को पता था, पर इन्हें ये भी पता था कि कितना पावरफुल आदमी है, तो उसे ज्यादा छेड़ा नहीं गया, पर वो अब उसने लिमिट एक्सीड कर दी, ठीक है। दूसरी चीज ये, तीसरा जो वो है प्रस्पेक्टिव है, तीसरी थ्योरी है, वो रशियन ओलिगार्क्स के ऊपर है, क्योंकि पिछले 16 महीने से यूक्रेन की वॉर जो है चलती आ रही है, और जब जंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और बिजनेसमैन जो होते हैं, क्योंकि रशिया को कहा जाता है कि ओलिगार्क चलाते हैं, यहाँ के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो चलाते हैं, और उनके यार्ड जो यूरोप वगैरह में है वो सब कैप्चर हो रहे हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो 16 महीने तक जब जंग होती है तो ये लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन जो था वो इन्हीं का किसी का पपेट था, और उसको बस यहाँ तक पुतिन को चैलेंज करने के लिए भेजा गया कि बंद करो ये सारी चीजें और हमारे फाइनेंशियल लॉसेस का ज्यादा ध्यान रखा जाए। और जो चौथी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो पुतिन खुद बोल रहे हैं कि वेस्ट को और यूरोप अमेरिका को कि हिम्मत मत करना, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, मैं जानता हूं, पर इससे आगे बढ़ के कुछ करने की ज्यादा जरूरत मत करना। एक जब ये पूरा सिचुएशन अभी हुआ था फ्राइडे को, तो उससे 4 दिन पहले कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें 6.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब 1 बिलियन डॉलर होता है लगभग 8,000 करोड़, तो 8 6 40, 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा अनअकाउंटेड था। तो वो 4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, तो ये कहा जा रहा है कि वो जो सारा पैसा था वो यूक्रेन वॉर और ये प्रिगोजिन के अटेम्प्टेड कू के लिए
डाइवर्ट किया गया है और इसीलिए उसका कोई अकाउंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट। दूसरी जगह ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वॉल स्ट्रीट जनरल और फॉक्स न्यूज़ और बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े चैनल जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम, वो पिछले 3 से 4 हफ्तों पे वो सभी लोग द शैडो मैन, द वैगनर ग्रुप, और वैगनर ग्रुप एकदम से, मतलब अभी तक रेलेवेंस में था वैगनर ग्रुप, लोग जान रहे थे, पर इतना स्पेसिफिकली उस पर ध्यान दिया जाने लगा मीडिया की तरफ से, तो लग रहा था कि वेस्ट एक एक अंदेशा दे रहा है कि वैगनर ग्रुप पूरी दुनिया को बता रहा है कि कुछ है, कोई चीज है। और फिर जब वो आई तो सबने कहा हाँ हाँ ये तो था, इसके बारे में तो बात हो ही रही थी, पर इतना डिटेल में 1 महीने से पहले किसी चैनल ने इन्हें कवर नहीं किया था। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं जो इसके अराउंड है, इसमें से क्या सही है क्या गलत है उसको क्लियरली बता पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, पर अब ये जो वैगनर ग्रुप है इसका क्या फ्यूचर रहेगा, कि हमने पुतिन का तो देख लिया कि क्या इमेज रहेगी, ये भी देख लिया 3-4 सिनेरियोस कि इनके ऊपर हुआ क्यों है, पर वैगनर ग्रुप उनका क्या, वो 25,000 लोग बेचारे जो अंदर आए और जिन्होंने यूक्रेन की नाक में अभी तक, बेचारे क्या, खैर वो क्या बेचारे जिन्होंने पुतिन के आगे खड़े हो गए, लेकिन अभी तक यूक्रेन के ऊपर उन्होंने इतना सब कुछ कर रखा था, तो इसका क्या है। तो फ्यूचर ऑफ द वैगनर ग्रुप, द वैगनर ग्रुप करेंटली डिसबैंडेड, अभी तो डिसबैंड हो चुका है, एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग वैगनर ग्रुप्स ऑपरेशन इन सीरिया, लीबिया एंड अफ्रीका। वैगनर ग्रुप तो डिसबैंड हो गया है, पर जो उसके ऑपरेशन चल रहे हैं सीरिया, लीबिया और अफ्रीका में, अगर आप ये वीडियो, ये इमेज देखोगे तो लीबिया में उनके 2,000 से ज्यादा मर्सिनरीज हैं, सूडान में 300 से ज्यादा, कॉन्गो, रवांडा, मोजम्बिक, अंगोला, बोस्टवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मडागास्कर, जिम्बाब्वे, मतलब छोड़ा ही नहीं है इन्होंने अफ्रीका को, हर जगह तो यही फैले हुए हैं। तो अगर आप इन्हें डिसबैंड कर दोगे तो यहाँ पे जो ये रशियन स्टेट की तरफ से जो कई सारे ऑपरेशन कर रहे थे उसका क्या होगा। ठीक, एंड इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इन्हें हायर करती हैं एज कॉन्ट्रैक्टर्स, ये मर्सिनरीज, ये मतलब प्राइवेट ग्रुप है जो आके कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा बनाता है, या उनके साथ मिलके, उनके उनकी आर्मी इतनी अकम्प्लिश नहीं है तो वो इनकी मदद लेते हैं। तो उन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा जो उन्होंने दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ कर रखे हैं। इसके अलावा कई सारे एक्नॉलेजमेंट्स एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट ने भी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो ये कहा जा रहा है कि जब इनकी जड़ें इतनी गहरी फैली हुई हैं, ये रशिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज में फैले हुए हैं, और ये इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट है बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, तो ये किसी और नाम से किसी और लीडर के अंदर वापस रिजरेक्ट होंगे ही, इनकी ज़रूरत है और वो ज़रूरत पूरी होगी थोड़े टाइम के बाद, भले ही वो किसी और नाम से हो और या भले ही किसी और लीडर के अंदर हो। ठीक है, तो ब्रॉडली हमने सारी बातें की, कल से लेके आज तक हमने देख लिया कि रशिया में सिविल वॉर शुरू होते होते वो कैसे ख़त्म हुआ और क्या उसके अराउंड सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और किस तरीके से वो लॉजिकली प्रूफ ये कर रहे हैं हर पक्ष अपने बारे में। तो ये हमने जानने की कोशिश की, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है या आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि यू वॉन्ट अस टू मेक अ वीडियो, सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। अंटिल देन जस्ट कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लाइक द कॉन्टेंट एंड शेयर आर वीडियोज। थैंक यू सो मच।